तो समग्र भागवत के श्लोकों में बने हुए बैठे हैं ब्रह्म सूत्र। इसीलिए कहा था श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरु न परा। तो इस कारण ऐसे विद्वान की आज श्रद्धा समय में अगर उपस्थिति है तो निस्संदेह आपकी श्रद्धा उन्हें मिल रही होगी, मिल जाएगी। तो मैं वक्ता ज्यादा नहीं बनूंगा, जन्माद्यस्य से लेकर के 18 हमारे जितने भी 12 स्कंद हैं सब में कहां कहां ब्रह्म सूत्र आए हैं, मैंने उनकी तालिका बना दिए। अब वो मिलता भी अब तो नहीं मिलता, बंबई में उन्होंने चिंता की थी जो मिले गया था, जो महाराज जी ने कुछ लोगों को दिए थे, भेंट किए थे। मैंने चित्रता भी बना दिए भागवत के, पद्म बंध, चित्र बंध, कमल बंध, ये सब बना दिए, छाप दिए पिछली साल के भागवत के श्लोकों में कौन कौन से छंद वाले काव्य तत्व हैं। तो इसलिए अब उनका स्मरण कर और समापन कर दें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरे साथ जरा बोल दें, केवल एक लाइन, आगे की मैं बोलूंगा। उसका भाव ये होगा कि आप उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। इस कारण से बार बार कहता हूं, कैसे मैं कहूंगा श्रीमद् भक्त वेदांत त्वदीयं वंदनं कुर्मः। आप क्या बोले, त्वदीयं वंदनं कुर्मः। मैं समझूंगा आप सही सही मेरे साथ में श्रद्धा दे रहे हैं। और पहला पूरा क्यों नहीं बनवा था, वो जरा पूरा बनवाने में आप लोगों को कठिनाई हो जाए इस कारण से। जैसा अगर आप अंग्रेजी बोले तो हम चुप लगा जाएंगे, जर्मनी बोले तो चुप लगा जाएंगे, तो हिंदी होने पर शायद आपको कष्ट हो। तो आधा मैं बोलता हूँ और उसे आप पीछे बोलेंगे, बोला श्रीमद् भक्त वेदांत नारायण त्वदीयं वंदनं कुर्मः, त्वदीयं वंदनं कुर्मः। इतना तो बोलो, त्वदीयं वंदनं कुर्मः। आज आपकी श्रद्धा सभा जो इन लोगों ने बुलाई है, तो हम और सब कुछ कर नहीं सकते। श्रोताएं हम लोग, वक्ताएं बोलते रहेंगे, आप सुनते रहेंगे, पर अपनी वाणी से तो दे जाओ कुछ। तो क्या बोलेंगे, त्वदीयं वंदनं कुर्मः, श्री मद्भक्त वेदांत त्वदीयं वंदनं कुर्मः, त्वदीयं वंदनं कुर्मः। यानी हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो इतना तो भूल दूं, एवं श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण त्वदीयं, सब बोलिए, त्वदीयं वंदनं कुर्मः, त्वदीयं वंदनं कुर्मः। ये आपके मुंह से भी निकल रही है। आज का श्रद्धा का बरहोत्सव है, तो आपकी वाणी से तो महाराज जी सुनेंगे कि ये सब लोग बोल रहे हैं मेरा भी। हे गौणी संप्रदाय प्रस्तावक, विदेश में जो लगा है उन्होंने तो किया ही, ऐसी वेदांति ने हमारे महाराज ने भी किया। विदेशे देश श्रीमन भारत वर्ष संकृत त्वदीयं वंदनं कुर्मः, त्वदीयं वंदनं कुर्मः। चैतन्य की दृष्टि में न कोई पंडित था, न कोई बेपंडित था, न पढ़े थे न बेपढ़े थे, सबको सम्मान दिया था। हमारे भक्त वेदांत नारायण जी महाराज ने कितनी बार विदेश यात्रा की और सबको एक सही बना दिया कि आप आइए और भगवान का नाम लीजिए,
स्मरण करिए। गोवर्धन में कार्यक्रम हुआ, मुझे पकड़ के ले गई, नया जो मंदिर बना वहां में गया, बोले कोई बल्लभ कुल का आ सकता है, मैं आ सकता है, चम्मनलाल गोस्वामी जी की मैंने प्रार्थना की, आगे रूप गोस्वामी जी के कार्यक्रमों में, जीव गोस्वामी जी के कार्यक्रमों में, जिनके शब्दार्थों को समझना कठिन है, वारे रूप गोस्वामी जय जय दंड प्रेकश खंड ग्रतश खंड स्मरण सबिंड स्मृत गंड प्रणय करंड, ऐसी संस्कृत जिसका चलना बड़ा मुश्किल है वहां ले गए मुझे, और रूप गोस्वामी जी के कार्यक्रम में, जीव गोस्वामी जी के कार्यक्रम में मुझे आपने याद किया, और आज याद कर लिया, मैं बाहर था, बहुत बीमार था महीने डेढ़ महीना से, पर आज मैं आपने बुला लिया। इन शब्दों के साथ अब मैं अपना ये बंद करता हूँ, आपका मैंने समय लिया, आपसे इस प्रकार से बोल दिया कि आप उन्हें वाणी से बोल बोलते तो हैं ही आप, लेकिन आज देर रात वाणी में लग करके आप बोले हैं, इसलिए मैं आपको सबको नमन करता हूँ, महात्माओं को नमन करता हूँ, और आप इनको कभी भूलेंगे नहीं, ये भी मैं आपसे निवेदन करता हुआ, और अब राधे 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 जय 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 श्री राधे 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 शंकर दयाल शर्मा आगरा में कॉलेज में हम परीक्षा देने जाते थे, तो वहाँ पर क्या बात थी, संस्कृत को उन्होंने सातवें नंबर पर डाल दिए, उसमें बाटू दूरान समेटिक और उसी में रखा था उन्होंने संस्कृत को सातवें नंबर पर, तो ये कहा करते थे छोड़ ना मत कभी भी इनको सही करो, कंपरेटिव फिलोलॉजी में बच्चों को क्या पढ़ाते हैं आप पढ़ाते हैं अफ्रीका परिवार, अमेरिका परिवार, स्वीडन परिवार, हेडो परिवार, अफ्रीका परिवार, और इनमें कौन सा परिवार आया, अंग्रेजी, कैसे बोले कैंटुम, कैंटुम से निकली अंग्रेजी, और शतम बोले शतम से निकली संस्कृत, संस्कृत से निकली प्राकृत, प्राकृत से निकली पाली, पाली से निकली ब्रजभाषा,
तो संस्कृत को सातवें नंबर पे रखा था और हमारे नारायण प्रभु एसी वेदांती जो ये कहते थे मुझे तो ये पढ़ाते थे, हाँ दो घंटे बन महाराज के यहाँ एसी वेदांती जी को हमारी उनकी संस्कृत में खूब झाड़ चलती थी। सन आठ में समय के सामयिक में ये पूरा विवरण किसी ने छाप दिया इसी वर्ष आठ वर्ष सन आठ में कहा 64 की बात लेके बोले मुझे तलक कर दो। आप भक्तिवेदांत नारायण जी ने एक बार कहा था ना, मैं हाँ हाँ तो हमारा तलक करो, मैंने तलक किया, उन्होंने आशीर्वाद लिया और जब लौट के आए तो ये हरे राम हरे कृष्ण मंदिर बना और यहां भी उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं और बोले आप आया करें और हमारी आपकी संस्कृत वार्ता चलती रहेगी, संस्कृत बोलने का भी अभ्यास था। तो इस कारण से आज उस स्थान पर बैठे हैं जिन्होंने विदेशियों को और उन सबको कह दिया। तो शंकर दयाल शर्मा बोले आप आ जाइए, मैं आ तो जाऊं मैं अंग्रेजी में बोल नहीं सकता, बोले मैं बोलूंगा दिल्ली में सब आए। तो मैंने जब गया और बताया कि हमारी संस्कृत भाषा को मातृभाषा को नीचे फेंक दिया है तुमने, तो उन्होंने स्वीकार किया और बोले अगले जो ग्रंथ आएंगे भारत में उनमें हम संस्कृत को सबसे नीचे नहीं दिखाएंगे। कारण ये था कि जिन्होंने बुलाया था वे उपराष्ट्रपति हो गए थे शंकर दयाल शर्मा और उन्होंने ये कहा कि उसको अंग्रेजी को मैं कर लूंगा आप आइए। गया हमने जब ये वार्ता उठाई विदेशियों ने उसमें आपत्ति की, परंतु शंकर दयाल ने और भक्तिवेदांत नारायण महाराज जी ने जो अपने टॉपिक दिए थे कि हमने कभी किसी जाति को, हमने कभी किसी भाषा को, हमने किसी भाषा को नंदा नहीं किया है और आप लोग जरा जरा सी बात से भी इस भारत की जो संस्कृति है उसको आप ठोकर मारती है जबकि ये लोग बुलाते हैं। तो इस कारण से शंकर दयाल जी ने अंग्रेजी में किया और अमेरिका वालों ने मुझे बहुत दिनों से वो जो लोग कहते थे बन महाराज जी एसी वेदांती जी हमारे भक्ति वेदांती जी महाराज, तो उन्होंने बदले में सोचा इस पंडित को दे दो। तो यही जो सितंबर गया है 24 सितंबर को अमेरिका में बुलाकर मुझे मान देना चाहती थी, क्यों कि यूपी रत्न मिल चुका था, विजय रत्न मिल चुका था दक्षिण का और अमेरिका ने ये कहा कि हाँ भक्तिवेदांत नारायण जी ने भी कहा है, उन्होंने भी कहा है हम तो इनको ही बुलाएंगे इनसे ही लेंगे। उन्होंने सब खर्चा वर्चा सब तैयार कर लिया, परंतु जा का होना होता है वही होता है, मैं बहुत बीमार हो गया और बीमार हो जाने के कारण निकलना बैठना भी बंद कर दिया, अन्यथा मैं भागवत पारायण भी करता था, पढ़ाया बन महाराज कॉलेज में 30 वर्ष और इनकी सेवा यहाँ की थी वो थी 57 और उससे पहले 54, 55, 56, 57 कोई ऐसा स्थान नहीं था, उन्होंने यहाँ करके सब कुछ किया है और ये लोग इनकी रक्षा कर रहे हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने को धन्य मानता हूँ जो आज उनके इस कार्यक्रम में मुझे बुला लिया और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि मैंने आपका समय दिया। अभी हमारे मध्य में जो कि परम पूजनीय श्री वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी ने बड़े सुंदर रूप से गुरु जी के पुष्पांजलि दी और उनकी कथाओं को सुनाया, हम उनके आभारी हैं, हम पुनः पुनः उनका दर्शन करना चाहते हैं, हमारे प्रति ऐसी कृपा आशीर्वाद बनाए रखें, हम यही प्रार्थना करते हैं। अभी हमारे मध्य में श्री भक्ति वेदांत श्री मधुसूदन महाराज भी गुरु जी के चरणों में कुछ पुष्पांजलि समर्पण करें। वंदे गुरुं पदद्वंदं
भक्तबिंद समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्रीनंद नंदनम वंदे राधिका चरणद्वयम् गोपी जन समाजुक्तम् वृंदावन मनोहर जय आपका समय लिया है क्षमा करना हेलो धुनोई तखिदया विसदया प्रोन मिलीद मोदया साम्यत शास्त्र विवादया समदया चितार्पितो नमादया सस्वद भक्ति विनोदया समदया माधुर्य मर्जादया श्री चैतन्य दया निधिर तव दया भूयाद मंदोदया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म निखिला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हैती कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तदुपरांत मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म संन्यास प्रदाता ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर सद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए इनके हैती कृपा की प्रार्थना करता हूँ। पूज्यपाद सभापति महोदय श्री कृष्ण वासुदेव चतुर्वेदी महाराज पूज्यपाद अतुललाल भट्ट जी महाराज पूज्यपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज अन्य तिरंडी पादगण वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति जथा योग दंडवत अभिवादन करते हुए आप सबों के हित की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। आज महाराज जी के तिरुभव तिथि के उपलक्ष्य में यहाँ पर विरह विद्वत गोष्ठी का आयोजन हुआ है जिसमें अभी अभी आप कुछ बात वासुदेव कृष्ण चतुर्वेदी जी के मुखारविंद से गुरुदेव की वैशिष्ट गुरुदेव की महिमा के संबंध में श्रवण किए। और ये सब तो अपने चतुर्वेदी जी महाराज पूज्यपाद अतुललाल भट्ट जी इनको तो बचपन में सब घूटी पीने को मिली क्योंकि इनकी परंपरा में सब घूटे घूटा ये मिला है सब तत्व सिद्धांत रस धारा। और हम इन्हीं के उच्छिष्ट भोजी है जो कुछ उसमें से आस्वादन करते करते टपका दिए क्योंकि पीते पीते कुछ टपक तो जाता ही है। गुरु वैष्णव जो टपकाया उसी को पी करके हम लोग जी रहे हैं क्योंकि अगर पीने को नहीं मिलेगा तो फिर जीने का भी कोई अर्थ नहीं रहता है। और गुरुदेव के सानिध्य में जब से उनका संग दर्शन प्राप्त हुआ तब से वो सब समय इस भाव को पान कराते थे और उसके साथ इंगित भी करते थे इशारा करते थे कि भाव जो है नित्य है ये वस्तु शाश्वत है सनातन है और प्रयास इसी के लिए करना चाहिए जो मिलने के बाद कभी हाथ से निकले ना। तस्य वै हेतु प्रजते कोविदो न लभ्यते जद भ्रमताम ऊपर नारद जी का भी व्यास जी के प्रति यही आदेश उपदेश है कि व्यक्ति को उसी भाव उस वस्तु के लिए प्रयास करना चाहिए जो त्रिलोकी में सर्वत्र विचरण करके नहीं मिलता। ऊपर नीचे कहीं भी चले जाओ वो वस्तु तो उन गुरुदेव के चरणों में निवास करता है वहां जाने से उसकी उपलब्धि होती प्राप्ति होती।
मुझे वो दिन प्रथम दिवस याद है वृंदावन में, एक समय जब महाराज जी का प्रथम दर्शन हो सक कुछ पर तीर्थ महाराज जी, तब इनका नाम था शुभानंद प्रभु जी, भागवत जी की कथा कर रहे थे। और उस समय ऐसा था कि जब ये कथा बोलते थे महाराज जी आते, तो महाराज जी भी कुछ आगे कथा बोलते बाद में प्रभु जी बोलते थे। तो प्रथम जो उनका दर्शन उनके सामने में बैठा हुआ था, प्रसंग में कहने लगे कि आजकल इस भाव को लोग ठीक से न समझने के कारण कुछ अनाप शनाप इसका उपयोग करते हैं। कई लोग अपने आप को साड़ी आदि में सजा करके, बिंदी आदि लगा करके और सखी के रूप में अपने को परिचय देते कि मैं ललिता सखी हूँ, मैं विशाखा सखी हूँ। मैं बहुत तब छोटा था, मेरी अवस्था मुश्किल से 14-15 साल की होगी, बड़ा ध्यान पूर्वक सुन रहा। इस तरह की उपासना हमारे रूपानुग धारा में नहीं है, ऐसा हमारे गुरु वर्गों ने ऐसा वर्णन ऐसा नहीं कहा है कि इस प्रकार के सजा दजा करके और अपने को ललिता विशाखा कहो, क्योंकि ललिता विशाखा आदि जो सखियां निश्चित परिकर हैं और एक ही हो सकते, 10-20-50 नहीं हो सकते, क्योंकि उनके समान आत्मगोनी कुटम आत्मकोटि गुणम कृष्णम परमानम परमाम गता नित्यानंद गुना सर्वे नित सिद्धा मुकुंदवत, ये सब नित सिद्धा है और इनका हमें अनुगत करना ही हमारा तात्पर्य। और अनुगत भी रूप गोस्वामी बड़ा स्पष्ट रूप से कहा, सेवा साधक रूपे न सिद्ध रूपे न चात्र ही तद भाव लिप्सुना कार्य ब्रज लोकानुसार। तो यथावस्थित देह में जैसा है और अंतर चिंतित जो अपनी भावना है वो तो अंदर की भाव है, उसे इस प्रकार से जहां तहां एवं उस श्रृंखलता के रूप में प्रचार प्रसार करना ठीक नहीं। ऐसे महाराज कुछ वर्णन कर रहे थे, मैं सुन रहा था, उसी समय कुछ ऐसा हुआ कि उस दिन जन्म उत्सव कृष्ण जन्म की कथा हो रही थी और उसमें कोई ऐसा ही सज धज के गोपी बन करके व्यक्ति को चला है, हटास चलाया और मैं सामने बैठा था, मेरी हंसी रुकी नहीं, मैं बहुत जोर से हंस पड़ा क्योंकि प्रसंग के अनुसार वैसा सच के चला। उस समय महाराज जी के मैंने स्नेहमयी दृष्टि और शासनमयी दोनों प्रकार के दृष्टि का दर्शन किया। महाराज जी तुरंत मुझे डांटे, हंसा तो क्यों हंसा, लोग सभी हंस रहे थे लेकिन मैं सामने पड़ेगा, मेरे ऊपर दृष्टि पड़ी, बोले हंसा तो क्यों हंसा। अब उस समय बिल्कुल मैं गंभीर हो गया और कुछ बोल भी न सका, क्योंकि महाराज जी बोले थे कि जो भाव जो मैं कह रहा हूँ ये धारण करने के वस्तु उपलब्धि करने के वस्तु, इसको इतना सरल और सहज रूप में मत लो। राधिकारे भाव गंभीर चित्ते जेव महाधीर जन संग न कैला जीवन केमन श्यामानंद रस सिंधु स्नानानंद लभी व पूजा ये कमन। महाराज जी गंभीर भावों को व्यक्त करते लेकिन बहुत गंभीर होकर, उनकी एक विशेषता हमने देखी कि वो कभी एवं इस भाव को सहज और सरल रूप में नहीं लेते, बहुत गंभीरता पूर्वक लेते। जब इस भावों को वर्णन करते थे कोई भी उस सभा में बैठा हो तो बिल्कुल गंभीर हो जाते। ये उनकी एक विशेषता है, उनका परिचय है कि जहाँ पर जाकर के आप में गंभीरता आ जाए, उस भाव में डूबने की इच्छा होने लग जाए, वह चलता आदि समाप्त हो जाए, तो समझो को संग हमारे जीवन के लिए चरम है, श्रेय है। और हम बड़े भाग्यशाली रहे कैसे महाराज जी का संग हमें मिला, बहुत कुछ उनसे सुनने सीखने को जानने को मिला। जो स्व संवेद है, स्व अनुभव वस्तु है, लेकिन महाराज जी कृपा करके वो अनुभव को हम लोगों को वितरित किए, दान किए, दिए, सहज रूप में दिए, कोई बदले में कुछ हम उनको नहीं दे सकते और ना दे सकते। बहुत गंभीर गंभीर भाव। एक बार जब प्रातः काल गोवर्धन में सुबह के समय भ्रमण के लिए महाराज जी प्रतिदिन निकलते और जहाँ पास में एक स्कूल है उसके बगल से गांव की ओर कुछ दूर जाते और फिर वहां से लौट करके आ जाते, तो चलते चलते रास्ता में कुछ न कुछ प्रश्न भी करते और कभी कभी कोई प्रश्न करते तो उनका उत्तर भी देते। वैष्णव के गुरुदेव की विशेषता होती है कि कभी कभी स्वयं भी प्रश्न करते हैं, शिष्य तो प्रश्न करता है लेकिन कभी कभी गुरु भी अपने शिष्य से प्रश्न करते हैं कि समझा कि नहीं, जाना कि नहीं।
भागवत में ऐसा प्रश्न उत्तर का वर्णन आता है कि परीक्षित जी बारंबार पूछते रहे, लेकिन शेष में सुखदेव जी ने पूछा कि ठीक है, तुम 7 दिन कथा सुनी, लेकिन ये बता सकते हो, मेरा प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? परीक्षित जी थोड़ा सा घबराए कि गुरु जी आज तक हमसे कोई प्रश्न नहीं किए 7 दिन तक, और आज अंतिम क्षण में अब कथा शेष होने को और कह रहे हैं कि मैं कुछ पूछना तुम उत्तर दो। कभी कभी गुरुदेव भी अपने शिष्य को जानने के लिए, समझने के लिए कि कितना समझा, पूछ लेते। और उन्होंने पूछा, क्या राजन तुम मरोगे, क्या तुम्हारी मृत्यु होगी? और यदि ऐसा भावना त्वंग राजन मरिष्यति तो पशु बुद्धिम इमाम जही। अगर 7 दिन तक कथा सुनकर के भी भाव रह गया कि मेरा शरीर नाश हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो ये पशु बुद्धि है, ये वास्तव ज्ञान नहीं, ऐसा है तो इसको तुम त्याग करो, क्योंकि तुम नित्य वस्तु, शाश्वत वस्तु हो। तुम उस भगवान का हो, अहम ब्रह्म परमं पदम, ब्रह्माहम परमं पदम, इति समीक्षण आत्मानम आत्मनि आधाय निष्कले। निष्कले निष्कलंके, जो सर्वोपाधि विनुर्मुक्त जो भगवान है, जिसमें कोई प्राकृत गुण नहीं है, सत्व रज तम गुण से विशुद्ध सत्व जो वस्तु है, उसमें अपने आत्मा को, अपने स्वरूप को आत्मनि निधाय। जबकि ये श्लोक सुनने में बड़ा अटपटा लगता है कि 7 दिन की कथा के बाद सुखदेव जी परीक्षित महाराज को ब्रह्म में लीन होने की बात कर रहे हैं। अहम ब्रह्म परमाम हम, मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर मैं ब्रह्म का हूँ, मैं कृष्ण का हूँ, कृष्ण का जो परम पद मेरा धाम है, और उनके जो स्वरूप शक्ति जो आत्मा राधिका है, उसमें अपने स्वरूप को लगा। इति समीक्षण आत्मानम आत्मनि अधाय, अपने स्वरूप को, उनकी जो आत्मा स्वरूप जो राधिका जी, उसमें लगा करके, और तुम अपने स्वरूप में स्थित होकर उस सेवा को प्राप्त। क्योंकि भागवत जी का तात्पर्य शेष यही है कि अपने स्वरूप में स्थित होकर के, आत्मानम सत्तम चित्ते तासम मध्य मनोरमम रूप जौवन संपन्ना किशोरी प्रमदाकृतिम नाना कला विज्ञान कृष्ण भोगानुरूपिणी परिताम्पि कृष्णेन ततो भोग परांगमुखे। ये हमारे रूपानु गुरु वर्गों की चिंतन है, धारा है, विचार है। तो ऐसे पर चलते चलते उन्होंने किसी से कहा, कुछ विदेशी भक्त कुछ भारतीय थे, कि हमें राधा कृष्ण विशेष करके राधा जी की भक्ति कैसी करनी चाहिए। बहुत उनका प्रश्न, उनका बोलना बड़ा ही इतना ऊंचा होता था कि सबको समझ में नहीं आता, और अगर कोई एक दूसरे समझते तो उनकी कृपा से, और जिनको समझाना चाहते उनके और अपनी आंखों से दृष्टिपात करते, आंखों के द्वारा ही उनमें संचार कर देते। ब्रिय स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यं पुत्र, क्योंकि भागवत रसिक, रसिक की वाणी रसिक बिना कोई समझ न सके न। और महाराज जी इतना खुला भी नहीं बोलते थे, अतएव कहिए किछु करिया निगूढ़, बुझी वे रसिक भक्त न बुझी वे मूढ़। तो उन्होंने पूछा कि हमें अहित की भक्ति करनी है कृष्ण की, जैसा कि आदेश अहित की अप्रतिहता, तो जो अहित की भक्ति कैसी होनी चाहिए, पूछे बता। सब बोलने लगा ऐसा वैसा बिना लेन देन का, उनकी प्रसन्नता के लिए। मैं भी था, मुझसे पूछे तुम कुछ कहोगे इस बारे में, कैसी है इसकी भक्ति होनी चाहिए, समझ तो कुछ नहीं आता था। महाराज ने पूछा, मैं भी कुछ उसमें निवेदन कर दिया। बोले महाराज कृष्ण की भक्ति अहित की ये जचता नहीं, क्योंकि भक्त इतना कंगाल नहीं होते कि जो भगवान को बिना कुछ दिए भजन करेंगे। ये ही भक्ति करो अहित की। वहाँ पर गोपी गीत में आता है, सुरत नाथ ते अशुल्क दासिका बरद लिग्न तो नेह किम बधर। वहाँ पर चक्रवर्ती पाजी बड़ा सुंदर टीका किए, गोपियां कहते हम आपके अशुल्क दासी, बिना मोल दासी है। लेकिन चक्रवर्ती पाजी बोले नहीं, हम बिना मोल नहीं दासी, बल्कि हम शुल्क दासी का। भगवान कंगाल गरीब अभावग्रस्त हो सकता है, भाव भक्त के पास कोई कमी नहीं होता है जो बिना मूल उनकी सेवा करे। वो कहते हम
आपको दे करके आपकी सेवा करते हैं, सब कुछ दे करके अपना रूप, अपना गुण, अपना सौंदर्य, अपना माधुर्य, अपना समझ बुद्धि, अपनी अवस्था, उम्र, सब आपको समर्पित करके हम आपकी सेवा करना है। इसलिए आप हमारे स्वभाव को, इस वस्तु को मूल्य नहीं देते, क्योंकि अगर आप उनको खरीद करके लाते अथवा तो प्रणय के द्वारा प्राप्त करते तो हमारे ऊपर विशेषता देते। न तो भाई हम प्रणय क्रेता, न शुल्के न क्रेता, भाई हम तो अशुल्क दास का, लेकिन अशुल्क दास का नहीं, ऊपर से और आपको घूस दिया और आपको इतना मालो माल बना दिया कि आप हमको ध्यान नहीं दे। महाराज जी कुछ में सुन करके आगे बढ़े, बोले एक प्रश्न और मेरा है, उसी दिन किया। ये जो जदुवंशी जो है, जो आपस में तकरार किए और अजानत अन्य चतु पंच अवशेषिता, आपस में लड़ करके शरीर को छोड़ दिए, तो क्या लीला है, क्या घटना? ये सच है जदुवंशियों का आपस में युद्ध हुआ और आपस में दूसरे को मार पीट करके चले गए, तो ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि तो भगवान के पार्षद है दामोदर महाराज और थे, दामोदर से पूछे, उन्होंने कहा कि अगर जदुवंशी लोग आपस में नहीं लड़ते, आपस में अगर इस प्रकार की लीला नहीं करते, तो इतना बलवान थे कि उनको कोई पराजित नहीं कर सकता, उनको कोई बध नहीं कर सकता। महाराज जी बोले कारण हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण नहीं है। कौन कारण? मुख्य क्या? मैं मुख्य जानना चाहता हूँ। माधव महाराज सब थे मुरे उरी सारा किए, तुम बोलो कुछ कहोगे? बोले महाराज जी माया विडबनम अब ही जठा नटस्य। वास्तव में जदुवंशियों का आपस में कोई संघार, कोई युद्ध नहीं हुआ, बल्कि माया का विडम्बना, एक माइक लीला के यहाँ पर उन्हें प्रस्तुत किया। जैसे एक जादूगर सबके सामने अपने बच्चा का गर्दन काट के दिखाता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता, ऐसे जदुवंशी लोग जो कृष्ण की लीला है, बहिर्मुख लोगों को भुलाने के लिए, भ्रमित करने के लिए ऐसी लीला की। क्योंकि भगवान, भगवान के भक्त और भगवान की भक्ति, ये तीनों जो है अपने स्वरूप को छुपाना चाहते, अनाधिकारियों के सामने को प्रकाशित नहीं होने देना चाहते। इसलिए गुरुदेव और भगवान के जितने परिकर है, उनका आना जाना स्वेच्छामय होता है, और बीच में अगर कोई लीला दिखाते हैं ऐसा लगता है, लेकिन वो लीला वास्तव में ऐसा नहीं है। क्योंकि कृष्ण भक्ति सुधा पाना देह दैहिक विस्मृते तेसम भौतिक देवपी सचिदानंद रूपता। भगवान के परिकर जो होते हैं कृष्ण के नाम गुण लीला कथा में इतना डूबे होते हैं कि उनका शरीर में कोई भौतिकता रह ही नहीं सकती। हम जो कहते हैं कि उनका शरीर पंच भौतिक नहीं, पंच भौतिक देखने में लगता है, लेकिन वो सचिदानंद रूप है। और वो अपने भक्ति की महिमा को छुपाने के लिए, अनाधिकारियों को वंचित करने के लिए कभी कभी ऐसा लीला करते हैं कि बहिर्मुख लोग उनको साधारण मान लें। सिद्धांत में तो यही कहा गया कि भगवान के परिकर भगवान के साथ या भगवान से अलग होकर के लीला करने के लिए आते हैं और लीला करके चले जाते हैं। न जन्म कर्म बदनम वैष्णवान अंग बीतते यथा सौमित्री भरतो तथा संकर्षणा दया तथा तेनैव जायन्ते मर्त लोकम जदृच्छया पुनस्ते नैव जायन्ते तद विष्णु शाश्वतम पदम न जन्म कर्म बंधनम वैष्णवान अंग बीतते। ऐसे गुरुदेव जी भी अपनी इच्छा से स्वेच्छामय होते हैं, भगवान के तरह भी परम स्वतंत्र होते हैं, और किसके ऊपर कृपा करे किसके ऊपर कृपा न करे वो उनकी स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। लेकिन हम लोग बड़े सौभाग्यशाली रहे कि स्वतंत्र होते भी भक्त अधीन हुए, हम लोगों के ऊपर अहित के ही कृपा कर दिए और कर रहे हैं, उनकी कृपा को कहाँ तक कहूँ। इस बात को ध्यान रखे कि वैष्णव तत्व सत्य वस्तु है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। अभी कुछ बात पुरंदर प्रभु जी कह रहे थे कि अब मैं सने से वंचित होगा, नहीं, सने तो हमें सब समय उनको मिलेगा, क्योंकि ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो सत्य वस्तु उसका कभी अभाव नहीं हो सकता है, और जो असत्य वस्तु उसकी कभी स्थिति नहीं हो सकती, वो नित्य है। भक्ति नान विजोगो नहीं सर्वात्मन क्वचित, जैसे कृष्ण कह रहे हैं गोपियों से कि मेरा आपका संपूर्ण रूप से वियोग नहीं हो सकता, मैं कहीं न कहीं प्रकट ब्रह्मांड में लीला कर रहा हूँ। एक अंतिम निवेदन मैं करूंगा कि जब शेष में जब महाराज जी पूरी में थे, मैं भी बस दो मिनट कह के शेष कर दूंगा, पहुंचा, सब सेवा कर रहे थे, मेरे भी कंठा हुई, महाराज पूछे महाराज जी मुझे भी कुछ सेवा दे। जैसे सुने तू सेवा चाहता है, बोले हाँ गुरु। कुछ बाहर गए, लौट करके आए, करीब उनके पधारने से
लीला अब प्रकट की लीला के कोई चार दिन पांच दिन पहले की बात, कमरे में तुरंत किसी को बोले वहां प्रभु जी थे विजय कृष्ण कौन बंसी प्रभु जी बोले उसको बुला के लो मधुसूदन को बुला के लो। मैं गया क्या सेवा करेगा क्योंकि ज्यादा बात नहीं करते थे स्पष्ट है दो शब्द में महाराज जी आपके यहाँ पोछा लगा दूंगा कपड़े और जो भी सेवा आप देंगे। थोड़ा गंभीर हुए बोले मैं कब तक हूँ मुझे पता नहीं और तुम्हारे लिए वृंदावन है तुम वहीं जाओ। जैसे महाप्रभु जी रूप गोस्वामी को भी आदेश दिए कुछ समय बिताने के बाद वृंदावन जहाँ तुम्हार वृंदावन रहा वहीं जाकर के तुम रहो और एक बार सनातन गोस्वामी को भेजने तैयार थे बोले थे तुम वहीं चले तुम वृंदावन जाओ तुम्हारे लिए वृंदावन है। मैं कुछ नहीं बोला प्रणाम किया मानो ही बताए सर्वनाथ दर्शनाद ध्यानाद मई भाव अनुकीर्तनाथ ना तथा सन्निकर से न प्रति जात तत्ग्रह। और गोपियों को यही हुआ ब्रह्मा के एक रात्रि एक क्षण के समान बीता इच्छा तो नहीं है लौटने का कौन कृष्ण के पास गुरुदेव से दूर जाना चाहता है लेकिन ब्रह्म रात्र उपागृते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन तो जजुर गोप्य स्वग्रहण भगवत क्रिया। जैसे गुरुदेव भी वही निशांत लीला में ब्रह्म रात्र उपागृते अपनी लीला को अंतिम क्षण में भगवान के अनुमोदन से राधा रानी का आदेश से न इच्छा होते थी वो चाहते थे कि और हमारे बीच में रहे लेकिन उनकी इच्छा ही अंतिम इच्छा होती है ना चाहते भी अपने लीला में प्रविष्ट हो गए और हमें भी आदेश दिए कि तुम इस वृंदावन में अवस्थित करो मैं वही हूँ नित्य हूँ। आज गुरुदेव हमसे दूर नहीं वो इसी वृंदावन में है। देवम नारायणम वंदे वृंदावन निवासिनम अनंत कोटि भूषिता कोटि वात्सल्य रूपिणम विरहेन सदा जाचे तब पाद पद में सुमे आश्रय चरणे देहि गुरुदेव कृपालुन गौर कृपा विग्रहाय गौरांगस्य प्रियात्मने तम रूपम सत्तम वंदे मद जीवनस्य जीवनम वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। अभी अभी श्री मधुसूदन महाराज ने गुरु जी के चरणों में पुष्पांजलि समर्पण करते हुए कहा कि वास्तव में गुरु जी का शरीर कोई भौतिक नहीं है। हम लोग देख रहे हैं हमारे सामने एक भौतिक रूप में इस मानव शरीर में हमारे जैसे एक कोई बड़े साधक है और हमारे जैसे ही है पर हमसे ऊंचा ऊपर उठे हुए साधक व्यक्ति है। परंतु ये पूछा जाए अच्छा गुरुजी यदि किसी को स्वप्न में दर्शन देंगे तो और कभी सामने आकर के कभी प्रकट भी हो जाए तो किस रूप में दर्शन देंगे गुरुजी के स्वरूप में जिस स्वरूप में हम लोगों ने दर्शन किया जो हम लोगों ने देखा उसी रूप में ही तो क्या वो रूप भौतिक है वो प्राकृत है पांच भौतिक है हम तो देख रहे हैं ऊपर से पांच भौतिक वास्तव में देखा जाए महान पुरुष सभी इस रूप में आते हैं। एक बार जैसे बताया कि गोपाल गुरु गोस्वामी पूर्व जगन्नाथपुरी में अंतर्धान हो गए और फिर यहाँ आकर के धीर समीर में बैठे बैठे माला जप रहे हैं भावक बन करके बैठे हुए एक शिष्य वहां से आए वृंदावन धाम दर्शन करने और यहाँ आकर के देखा गुरुजी यहाँ बैठे हुए हैं तब गुरुजी से बताए कि गुरुदेव इस समय गंभीरा में ध्यानचंद्र गोस्वामी जी देखभाल करते हैं परंतु गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आ रहा है बहुत परेशानी है तो क्या करें बड़े बेचैनी में बड़े कष्ट में गुरुजी ने कहा जाओ कोई चिंता नहीं सब हो गया सब ठीक हो गया और जब जाकर के देखा कि सब ठीक कोई गड़बड़ी नहीं सब मिटमाट हो चुका है और यहाँ शांति तो वो गुरुजी वहाँ जो बैठे हुए थे तो कौन से शरीर में थे श्रीमान शरीर में तो देखने में तो एक सा ही लगता है। भगवान ने दर्शन दिया वसुदेव देवकी को कहा ये तो आप दर्शितम रूपम प्राग जन्म स्मरण आया में पहले आपने तपस्या की उस समय मैंने दर्शन दिया इसी रूप में ये दिव्य चतुर्भुज रूप दर्शन कराया नहीं तो मुझे पहचान नहीं पाएंगे। तो गुरुवर का कोई भौतिक शरीर नहीं होता है
और प्राकृत चिन्मय शरीर में साधक रूप में यहाँ आकर के साधना करते हुए दिखाया भक्ति रसामय सिंधु में कि अभिज्ञात अखिल क्लेशा सदा कृष्णाश्रित क्रिया। जिन लोगों का क्लेश कष्ट कोई पता ही नहीं अभिज्ञात है और निरंतर कृष्णाश्रित क्रियाएं हैं जिनकी और ये भौतिकता से कोई संबंध नहीं, यहाँ रहते हुए भाव साधक बन गए। बोले कि बिल्ल मंगल आदते भाव साधक का परिकीर्ति था के भाव के साधक है। बिल्ल मंगल आदि जैसे जो लोग राधा कृष्ण के परिकर हैं और यहाँ आकर के साधन भजन करते हुए हमें दिखाया सिखाया और राधा जी के निजान जो राधा जी के चरण कमल में वहाँ उनके किंकरी बन करके पहुंच गए हैं और उनकी नित्य सेवा में संलग्न है। आज हम सब के प्रति करुणा वर्षण करें। आज हम प्रार्थना करते हैं, अभी अभी हमारे मंत्र में बहुत से भक्ता लोग हैं गुरु जी के जो अत्यंत निकट में अत्यंत मोह लगने वाले और अतिशय गुरु जी ने जिन पर अतिशय स्नेह आशीर्वाद दिया ये हम कह नहीं सकते। तो आज हमारे मंत्र में सुश्री श्री सविता जी बैठी हैं, हम उनसे प्रार्थना करते हैं भी कुछ गुरु जी के चरणों में पुष्पांजलि समर्पण करें। ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयभुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वपद अस्मदीय गुरुपाद पद्म विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम एवं पुष्पांजलि अर्पित करते हूँ। तत्पश्चात मंचासीन श्री अच्युतलाल भट्ट जी, अन्य नित्यदंडी पादगण, गुरु वैष्णव एवं मेरे गुरु बहनों सभी को यथा योग्य दंडवत प्रणाम एवं आदर। आज अयोग्य व्यक्ति को भी योग्य बनाकर कुछ सुनना चाहते हैं तो वैसे ही बोलेंगे जैसे एक तोतला बच्चा अपने माता पिता से बोलता है। अपने गुरु जी के चरित्र को वर्णन करने के लिए तो सहर्ष हम लोग मौका ही देख रहे हैं। अपने गुरु जी का चरित्र नहीं वर्णन करेंगे तो फिर क्या वर्णन होगा इस वजह से। अतः भागवत जी में जितने भी वैष्णवों के लक्षण लिखे हैं हमारे गुरु महाराज जी में वे सब लक्षण कूट कूट कर भरे हुए थे। कहते हम लोग सुनते हैं कि गुरु निष्ठा भक्ति की बैकबोन है, भक्ति की रीढ़ खम्भा है। बिना गौरव गुरु निष्ठा के भक्ति नहीं टिक सकती है। हम अपने गुरु महाराज जी के चरित्र में देखते हैं, एक बार बतला रहे थे महाराज जी कि महाराज जी के गुरु भाई यानी परम गुरु महाराज जी के शिष्य थे जिनका नाम अनंग मोहन ब्रह्मचारी था। उनको हठात कोई टीबी रोग हो गया। आजकल तो टीबी रोग के इलाज चल चुका है, वो क्योर हो जाती है, जड़ से चली जाती है, परंतु उस समय यह सब नहीं था इलाज। परम गुरु महाराज जी उनको बड़ा स्नेह करते थे। गुरु जी किसी को स्नेह करते हैं तो आप लोग समझिए नहीं कि ये क्यों स्नेह करते हैं, क्योंकि उन लोगों में प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने संता सदैव हृदय विलोकयंतिम यम श्याम सुंदर अचिंत गुण स्वरूपम गोविंद माधि पुरुषम तम हम भजामी।
गुरु जी उनके हृदय के भाव के स्वरूप को देख कर ही उनको लाड़ दुलार करते हैं। परम गुरु महाराज जी बहुत स्नेह करते थे उनको। उन्हें ज्ञात हुआ कि मद्रास में इस टीबी का कोई इलाज करने वाला है और टीबी का इलाज हो सकता है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। लेकिन महाराज जी परम गुरु महाराज जी सोच रहे थे किसके हाथ भेजूं, क्योंकि नवद्वीप परिक्रमा का समय आ चुका था। महाराज जी परम गुरु जी तो बहुत व्यस्त थे। हमारे गुरु जी ने देखा कि मेरे गुरुदेव इस ब्रह्मचारी की सेवा करने के लिए व्याकुल हैं। सहर्ष उन्होंने अपने जीवन के भी बारे में कुछ नहीं सोचा। सहर्ष परम गुरु महाराज जी मेरे गुरु महाराज जी के पास गए, अपने गुरु महाराज जी के पास, और बोले गुरुदेव आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं लेके जाऊंगा मद्रास। फिर परम गुरु महाराज जी की आज्ञा से मेरे गुरु महाराज उन ब्रह्मचारी को लेकर मद्रास चले गए, हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। एडमिट करने के बाद में अंतिम लीला उनकी आ चुकी थी। उन्होंने अंतिम समय में देखा, महाराज जी पास में खड़े हैं, अंतिम समय में कह रहे हैं वे ब्रह्मचारी जी, और अपने प्यार से गुरु जी नहीं कहते थे, बाबा बाबा कहते थे गुरु जी को। मेरे बाबा आ गए हैं, देखो देखो राधा कृष्ण आ गए हैं। गुरु महाराज जी खड़े हुए थे, सुन रहे थे। उसी समय गुरु महाराज जी ने अपने गुरु महाराज जी का फोटो उनके वक्ष स्थल पर रख दिया, और वक्ष स्थल पर रख के ही बस बोले आपको श्री वृषभानुनंदनी का दर्शन हो रहा है, आप मेरी तरफ से भी कृपा करके कहिए कि वे मेरे जैसे वे पर भी कृपा कर दें। बस इतना कहते ही महाराज जी के अश्रु नेत्र सजल हो गए, और बस हाँ बाबा, अपने गुरु महाराज जी को स्मरण करते करते उन्होंने अपने शरीर का लीला पूर्ण कर दी। इस समाचार को महाराज जी ने परम गुरु महाराज जी को बड़ा दुखित होकर दिया। लेकिन कैसी गुरु निष्ठा थी महाराज जी की, इस लीला के अनुसार देखी जाती है कि भी उन्होंने अपने जीवन की भी परवाह नहीं की कि मुझे टीबी लग जाएगी या मेरा जीवन कैसे होगा। नहीं, गुरु निष्ठा तो महाराज जी के एक एक रोम रोम में भरी हुई थी। कैसी गुरु निष्ठा थी, महाराज जी का भक्त वात्सल्य तो अद्भुत था। अद्भुत कैसे कहूँ था, मेरे को पास्ट टेंस कहने में अभ्यास नहीं होने के कारण अद्भुत महाराज जी में वात्सल्य भाव भरा हुआ है। कैसे भी उनके प्रति कुछ भी बोल दे, हम लोग तो महाराज जी के सानिध्य में आए हुए करीब करीब 78 में हम आ चुके थे, छोटे से थे महाराज जी के पास। उस समय से देखे थे कि जीबीसी माने इस्कॉन मठ के लोग ऐसे ऐसे महाराज जी के पास आते थे, महाराज जी कैसे प्रेम से उनको प्रेम भक्ति बिलाप कुष्मांजलि पढ़ाते थे। उस समय एक बार इन लोगों ने किवाड़ बंद कर लिए थे, महाराज जी के नीचे पढ़ा रहे थे, इन लोगों ने किवाड़ बंद कर लिए, हम लोगों को नहीं आने दिया। उसी समय हम महाराज जी को हल्ला किए, महाराज जी को किवाड़ बजा के बोले महाराज जी ऐसा नहीं होगा, घर के लोग बाहर रहे और बाहर के लोग आए अंदर, ये कैसे होगा महाराज जी। महाराज जी इतनी करुणा के सागर तुरंत महाराज जी ने कह दिया गेट खोल दीजिएगा आप लोग। महाराज जी ऐसी सुंदर सुंदर प्रवचन सुनाते थे इन लोगों को। कुछ आपस में मन बयस होने के कारण क्या हुआ हम इस समय विषय में नहीं जाऊंगी, लेकिन कुछ होने के कारण जीबीसी अलग हो गए, महाराज जी अलग हो गए। लेकिन फिर भी कोई भी महाराज जी के चरणों में शरणागत होता, महाराज जी उसे सहृदय अपना लेते। हम कैसे बताऊं महाराज जी का वात्सल्य भाव, मैं बतला नहीं सकती। एक लीला के अनुसार आप समझ जाएंगे कि महाराज जी किस कैटेगरी कैसे स्तर के थे। सुनते जरूर है महाराज जी, आप प्राकृत थे, चिन्मय थे, महाराज जी का भौतिक शरीर नहीं था, लेकिन उपलब्धि नहीं होती है। शायद इस लीला से आप हम लोगों को उपलब्धि हो जाएगी। कैसी लीला थे महाराज जी हमको पढ़ा रहे थे, श्रीमद् भागवत रासपंचाध्यायी चल रहा था, मैं ऐसे पीठ करके बैठी थी, महाराज जी अपने बिस्तर पर बैठे हुए थे, पता नहीं कौन दरवाजे पर खड़ा था, एक लड़का बड़ा स्मार्ट जीन्स पहने हुआ था, टी शर्ट पहनी थी, खड़ा हुआ था महाराज जी के गेट पर। हम महाराज जी मुझे पढ़ा रहे थे, मैं पढ़ रही थी, तो महाराज जी ने हठात ऐसे देखा कि दरवाजे पे एक लड़का खड़ा हुआ है। महाराज जी ने कहा बेटा तुम कहाँ से आए हो, कौन हो। महाराज जी की अमृतमय वाणी से सुनते ही वो लड़का अपने को रोक नहीं सका, थर थर कांपते हुए रोते हुए बोला महाराज
मेरी माँ पधार गई। बोले क्या हुआ तुम्हारी माँ को? महाराज जी मेरी माँ आपकी शिष्य थी, मैं बॉम्बे से आया हुआ हूँ महाराज जी। तो महाराज जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, महाराज जी पूछने लगे क्या हुआ, कैसे मर गई तुम्हारी माँ? बोले मेरी नाना और मामा मेरे मथुरा के हैं, मेरी माँ ने जन्माष्टमी से पहले हल्ला मचाया कि नहीं मैं तो मथुरा की जन्माष्टमी का जन्माष्टमी उत्सव करूँगी। कोई उनका रिजर्वेशन नहीं था, फ्लाइट की टिकट नहीं मिली उनको, ट्रेन में कोई रिजर्वेशन नहीं मिला, जैसे तैसे अपने सूट केस में दो साड़ी डाली और बिना रिजर्वेशन के गाड़ी पकड़ कर चले आए। उन्होंने फोन किया अपने मामा जी को, मामा जी मम्मी आ रहे हैं आप लोग रिसीव कर लेना। जैसे तैसे वो अपने मथुरा में आ गए, अपने पियर में आ गई वे। और हमारा आप लोगों को मालूम है कि जन्माष्टमी से एक दिन पहले नगर संकीर्तन निकलता है, मेरी माँ ने नगर संकीर्तन को अटेंड किया। दूसरे दिन जन्माष्टमी सुबह प्रातः काल मंगला आरती से लेकर रात्रि में जन्म उत्सव करने के बाद प्रसाद पाकर यहाँ से गई है। तीसरे दिन नंदोत्सव के दिन प्रातः काल श्री भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि होता है, वो देखा है महाराज जी, महाराज जी मनाते, महाराज जी पुष्पांजलि देते, कथा करते, उन्होंने वो सुनी है महाराज जी। दोपहर में महाराज जी नंदोत्सव मनाते हैं, वो भी देखा महाराज जी अपने, आपका आपने जो नंद उत्सव मनाया मेरी माँ ने वो भी देखा और लौट कर अपने घर गई हैं। थोड़ा सा उनको हार्ट में थोड़ी सी तकलीफ हुई, उन्होंने अपने भैया को बुलाया, भैया मेरे दर्द हो रहा है। भैया उसी समय रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल ले गए उनको, रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में ले जाकर डॉक्टर ने डिक्लेयर किया माइनर अटैक है इनको, ऑक्सीजन दे दी गई। दसवीं के दिन एडमिट किया और दसवीं रात माने एकादशी लग चुकी थी, आप बैठ गई, मेरी माँ बैठ गई महाराज जी और दोनों हाथों से नलियां निकाल दी हाथों से। वो भैया कह रहे थे क्या कर रही हो बहन, क्या कर रही हो, नहीं ऐसा नहीं करो। बोले आप चुप रहो, जल्दी से मेरे कपड़े बदल दो। सारे कपड़े बदलवाए हैं और महाराज जी द्वादश तिलक लगवाया है मेरी माँ ने, और ऐसे बैठ कर कह रही है देखो 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 मेरे गुरुजी बुला रहे हैं मुझे, मेरे गुरुजी आ गए हैं मुझे लेने के लिए, देखो श्री राधा जी मुझे वृंदावन बुला रहे हैं। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, गुरुदेव कहते ही वो अपने प्राणों को त्याग दे मेरी माँ ने, ऐसे कहते वो बच्चे थोड़ा सा भावुक हो गया। तब महाराज जी एकदम इस बात को सुन रहे थे, आंखों देखा मैंने देखा कि महाराज जी सुन रहे थे, जैसे महाराज जी के कलर कपड़े के कलर था ऐसा महाराज जी का मुख का रंग हो गया। और क्या बोले, ये बात हम सब के लिए बड़ी ही मार्मिक और ग्रहणीय है, जरूर हम लोगों का कल्याण, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखो क्या बोलते हैं महाराज जी, महाराज जी बोले देखो जिस जिसने इन कर कमलों से अपने हृदय रूपी गमले में बीज आरोपण किया है, मैंने बीज लगाया है, बीज दिया है माने दीक्षा दी है, जिसको हरि नाम दिया है, गोपाल मंत्र दिया है, वे चाहे अपने जन्म जन्मांतरों के संस्कार से नरक भी जाएगा तब भी मैं उसको नरक में नहीं छोड़ूंगा, जब तक उसका पीछा नहीं छोड़ूंगा तब तक कि उसके स्वरूप में स्थित न करा दूं। ऐसा महाराज जी ने हम लोगों को उसको कहते कहते बस एकदम सेंसलेस की तरह से महाराज जी का एकदम पानी हाथ एकदम ठंडे बर्फ हो गए। उस समय इन लोगों ने संन्यास नहीं लिया था, उस समय हमारे माधव महाराज नहीं थे, माधव महाराज जी थे नवीन कृष्ण ब्रह्मचारी। मैंने नवीन प्रभु को बुलाया, नवीन प्रभु जल्दी आओ जल्दी, महाराज जी की रसोई बना रहे थे उस समय। आए देखा तो महाराज जी के हाथ पर बहुत ठंडे हो गए हैं, कुछ उनको कम होश जैसा नहीं है, जरूरी से इलेक्ट्रॉन बोल कर दिया महाराज जी को। महाराज जी को थोड़ा सा हाथ पैर घिसे, थोड़ा सा गर्माहट आ गई, तो बोले कि क्या हुआ, मैंने कुछ कहा तो नहीं? नहीं महाराज जी, आप कुछ नहीं हुआ। ऐसे आप लोग इस लीला से महाराज जी के कानों आंखों के देखी कानों से नहीं लीला को बोल रहे हो, माने हम लोगों को दृढ़ता निश्चित दृढ़ अगर हम लोगों में निष्ठा है और महाराज जी के शीर्ष चरण सरोज में भक्ति है तो इसका मतलब नहीं है कि हम लोग उनके चरणों में आकर गलत गलत काम में जाएं। नहीं, हम लोग घबराएं नहीं, निश्चिंत
चुपचाप महाराज जी के दिए हुए उपदेशों को सुनते चले चलें। और महाराज जी ने जो हमको उपदेश दिए, जो हमको नियम बतलाए हैं, उन नियमों को श्रद्धा पूर्वक करते चलें, तो हमारा भी महाराज जी जरूर हम लोगों पर कृपा करेंगे। इस भौतिक शरीर से नहीं तो क्या, वो सबके अंतर्यामी है। गुरु जी में एक लक्षण होता है अंतर्यामी, महाराज जी अंतर्यामी, हम सबके हृदय में विराजमान है, वे कहीं गए नहीं है। हाँ, जो उनका श्री अंग देखते थे हम और आप लोग, उससे वो अंतर्निहित होकर हम लोगों के हृदय में आ गए हैं। इसलिए महाराज जी का दो महाराज जी के उपदेश बहुत ही महत्वपूर्ण, और हर समय महाराज जी बोलते थे, उन दो लक्षणों को हम फिर से सुन लें और फिर से उसका हम लोग पालन करें, तो निश्चित रूप में इसी जन्म में महाराज जी हम लोगों को कहीं ना कहीं से ले ही जाएंगे। हम लोगों को क्या दो नियम है महाराज जी के भक्ति के लिए, पहला है अखिल चेष्टा परायण, अखिल चेष्टा परायण, और दूसरा है महाराज जी कहते थे अखिल भोग त्याग। पहले भोग त्याग नहीं, पहले बताया महाराज जी ने अखिल चेष्टा परायण, अर्थात हम लोग अपने शांति अभ्यर्थ कालत विरक्ति मान्य शून्यता आशा बंधु समुत्कंठा नाम गान सदनाम गाने सदा रुचि, अर्थात शांति हर समय एक एक पल एक एक सांस तेरे लाख लाख हीरा की, अर्थात एक एक सांस का हम लोग उसका सद व्यवहार करें, हर समय उठते बैठते चलते फिरते गाते सोते पवित्र अवस्था अपवित्र अवस्था जैसे भी हो, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हर पल हर क्षण हम लोग उसका सद व्यवहार करें, अखिल चेष्टा परायण। और दूसरा क्या है, अखिल भोग त्याग। अखिल भोग त्याग का मतलब यहाँ है भक्ति विरुद्ध जितनी भी चीज है, केवल आप विवाह शादी का मतलब नहीं लीजिएगा, भक्ति की जितने भी अगेंस्ट विरुद्ध वस्तु है उन सब का त्याग करने का नाम अखिल भोग त्याग है। यदि हम लोग इन दोनों उपदेशों का पालन करें, और जो भी कुछ सीखा है महाराज जी के चरणों में बैठकर, वैष्णवों के चरणों में बैठकर सीखा है, सीख रहे हैं, सीखेंगे आगे, उस जो भी हम पर है उससे अपने दूसरे जीवों पर कल्याण करें, दूसरे जीवों को जैसे तैसे भक्ति में लगाने की कोशिश करें। महाराज जी का यही मनोभीष्ट था, महाराज जी का मनोभीष्ट हम लोग पूर्ण करना चाहते हैं, तो यही था महाराज जी का मनोभीष्ट, हम लोग रूपानुगम धारा में चलें और दूसरों को अपने जो सीखा है उसी सीखी हुई विद्या से दूसरों को हम लोग लाभ उनको सहायता कर सके, यही हम महाराज जी के चरणों से यही सीखे हैं। महाराज जी की अनन्य लीला है, एक और लीला कहूंगी जब समय हो, इसके बाद में समाप्त करेंगे। एक बार महाराज जी 84 या 85 की बात है, महाराज जी जा रहे थे राधा वल्लभ मंदिर, यहाँ वृंदावन मथुरा में है चौक बाजार में, वृंदावन वाला राधा वल्लभ मंदिर नहीं, ये मथुरा में राधा वल्लभ जी मंदिर था। मैं आई दौड़कर तो महाराज जी बोले हे तुम चलो हम लोग वहाँ वक्तृता देंगे। महाराज जी के महाराज जी तो आगे गए, हम लोग पीछे से चले गए महाराज जी के पास। देखा कि पूरे चतुर्वेदी समाज बैठा हुआ था, चतुर्वेदी समाज में गीता का सार चल रहा था, टॉपिक रखा था गीता का सार, मतलब गीता का महात्मा। सारे वक्ता जो महाराज जी से पूर्व वक्ता थे, सब लोगों ने इतनी महिमा गीता की बतलाई, पूरी पूरी प्रशंसा की। अब आई महाराज जी की बारी, महाराज जी ने निरपेक्ष होकर, फिर जैसे हम लोग कहते ना निर्भीक वक्ता, देखो महाराज जी कैसे निर्भीक वक्ता थे। महाराज जी ने जैसे ही महाराज जी को माइक मिला और माइक में अपने गुरु जी की वंदना, वैष्णवों की वंदना करने के बाद में तुरंत पहला सेंटेंस बोला, देखो मैं जब से आया हूँ गीता की कथा सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा है, इसमें कोई संदेह नहीं,
परंतु गीता नर्सरी क्लास का ग्रंथ है और पीएचडी का क्लास का ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। सब अवाक रह गए, महाराज जी का मुख देखने लगे, क्या बोल रहे हैं ये, हम तो इतनी बुरी बुरी प्रशंसा की और वो प्रशंसा वाले ग्रंथ को कह रहे हैं ये नर्सरी क्लास का ग्रंथ है और पीएचडी का ग्रंथ भागवत बतला रहे हैं। सबको उत्कंठा हो गई, महाराज जी कैसे सिद्ध करेंगे इसको। तब महाराज जी के वो लोग बड़े एकदम कंसंट्रेशन माइंड से एकाग्र चित्त से महाराज जी की कथा को सुना। उन लोगों ने चतुर्वेदी समाज से संस्कृत के लेक्चर, संस्कृत स्पीकिंग संस्कृत हो रही थी वहाँ, बहुत अच्छी धुरंधर सभा थी, हम लोग गए हुए थे वहाँ। तो महाराज जी बोल रहे थे, क्या बोले, देखो गीता में 18 अध्यायों का वर्णन किया गया है, 6 कर्मयोग, 6 अध्याय ज्ञान योग और 6 अध्याय भक्ति योग। 18 अध्यायों में भक्ति का वर्णन किया, परंतु सारा लेक्चर सुनने के बाद में अर्जुन हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे ठाकुर जी आप करुणा करके मुझे बतलाइए, आपने इतना चौड़ा लंबा मुझे लेक्चर दिया लेकिन मेरे पास तो समय नहीं कि उसको दोबारा मैं दोहरा लूं। अरे मेरी विरुद्ध सेना कह रही, अरे कायर अर्जुन उठा धनुष और युद्ध कर, कैसे धुंध में बेरी बज रही है, मेरे पास समय नहीं कि मैं दोबारा उसको स्मरण कर लूं, उसने क्या तत्व बतलाया, अर्थात मैं इस समय क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तब ठाकुर जी ने कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रजा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन तू घबरा मत, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, सर्व धर्मान परित्यज्य, महाराज जी बड़ी सुंदर व्याख्या की है, बहुत सुंदर व्याख्या की है, उसी को थोड़ा सा एक दो शब्द बोल के ही समाप्त करेंगे। बोलिए श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय। महाराज जी कह रहे सर्व धर्मान परित्यज्य, पहले क्या कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, पहले आएगा माम एकम शरणम ब्रज, हे अर्जुन तू पहले एकमात्र मेरी शरण में आ जा, फिर जाके तू सर्व जितने भी धर्म है सबका परित्याग कर देना। हम लोग गलती क्या कर देते हैं, गुरु वैष्णवों के